हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सभी को नमस्ते। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जी हां दोस्तों, जो राशन वगैरह ले रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपडेट होने वाला है। जैसा कि अभी जो सभी को पता है, एक KYC का बहाल चल रहा है राशन कार्ड को लेकर, कि अगर KYC आप नहीं करवाते हो तो आपके राशन कार्ड के साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सारी डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इसकी जो लास्ट डेट है वो बताने वाला हूं, कहां से आप इसकी KYC करवा सकते हो और किस किस को KYC करानी चाहिए, किस किस को नहीं करानी चाहिए, वो सारी बात करेंगे। कहां पे KYC करी जाएगी और इसके लिए कितना पेमेंट लगने वाला है, डेट एक्सटेंड होगी नहीं होगी, वो डाउट है वो सारे क्लियर करने वाला हूँ। KYC आप अगर दूसरे एरिया में रहते हो तो वहाँ कैसे होगी, आपको गांव ही जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, या गांव छोड़ के आ गए तो वहाँ पे KYC किस तरीके से होगी, वो सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में राशन कार्ड की KYC किस तरीके से की जाती है वो सारी बात करने वाले हैं। इसके जो डाउट्स हैं, जो आपके मन में सवाल आ रहे हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले कि यहाँ पर किस तरीके से आपको KYC करानी पड़ेगी और कहाँ कहाँ आप KYC करवा सकते हो, और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखनी है, उसी को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो KYC के लिए आपको सबसे पहले आपके अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होगा। अब कई लोगों का सबसे पहले सवाल होगा कि हमारे गाँव में मिलता था हमें राशन और अब हम सिटी में आ चुके हैं, वहाँ से राशन ले रहे हैं, तो अब किस तरीके से KYC करानी होगी? या तो हमें वापस गांव जाना होगा KYC कराने के लिए, या फिर यहीं पे कहीं करानी होगी। तो वो कहाँ करवा सकते हो वो चीज़ बात कर लेता हूँ। अगर आप गांव छोड़ के आ चुके हैं या दूसरी स्टेट में आ चुके हैं तो वहाँ का अगर आपको राशन कार्ड उठाना है, कैसे उठा सकते हो, अगर KYC करानी कैसे करा सकते हो? तो जैसा कि आपको सभी को पता है, जो राशन कार्ड वाला है वो यहाँ पे अब सभी जगह अलाउ कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है बायोमेट्रिक से अलाउ किया गया है, तो आप कहीं पे भी जाके अपना राशन जो है वो ले सकते हो राशन वाले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके। तो आप इसी तरीके से KYC भी करवा सकते हो। कहीं पे भी आप रह रहे हो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर खोजना है, वहाँ पे आसपास में कहीं पे भी जहाँ पे राशन मिलता है वहाँ से जाके आप KYC करवा सकते हो। अब जैसा कि कई लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि KYC हो रखी है और हमारे यहाँ पे KYC नहीं हो रही है, या फिर ऐसा कुछ सवाल्स करते हैं, या फिर आपकी KYC ऑलरेडी हो रखी है, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो आप दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा सकते हैं। हो सकता है उस डिस्ट्रीब्यूटर को ना पता हो KYC के बारे में, कई डिस्ट्रीब्यूटर को पता नहीं है, कई डिस्ट्रीब्यूटर बहाना मार रहे हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, आप डिस्ट्रीब्यूटर को बता सकते हो कि KYC का भी सिस्टम चल रहा है और वो वहाँ पर करेगा। कई लोग तो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं और वहाँ पे भीड़ भी लगी हुई है। अब बात करते हैं कि ई मित्र की। अगर आप ई मित्र पे जा रहे हो तो ई मित्र पे नहीं होगी KYC, डिस्ट्रीब्यूटर को ही ये काम दिया गया है, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही जाके आप KYC करवा सकते हो। सबसे मेन सवाल है कि KYC कहाँ कराना है, तो KYC आपको डिस्ट्रीब्यूटर पे कराना है, और आप कहीं पे भी रहते हो वहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर से आप करा सकते हो। भले ही आप गाँव में नहीं हो और आप कहीं दूसरी जगह रहते हो और वहाँ राशन ले रहे हो, तो वहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूटर आपका रहता है वहाँ पे आप KYC करवा सकते हो। और KYC कराना सभी लोगों को अनिवार्य है। आप KYC के लिए कई बोलेंगे कि पर्सनली एक मेंबर को जाना है या फिर सभी मेंबर्स को जाना है। कई लोगों का जैसे सवाल भी था कि मुखिया को ही जाके करवा लेना चाहिए या फिर सभी को जाना जरूरी है। तो दोस्तों, बायोमेट्रिक होगा तो जो भी मेंबर्स उसमें जुड़े हुए हैं राशन कार्ड में, उन सभी को जाना जरूरी है और उन सभी की KYC होना अनिवार्य है। अगर उनमें से एक भी बंदे की KYC छूट जाती है तो उसका राशन आपको नहीं मिलेगा। सभी मेंबर्स की KYC करा लेनी है, अगर एक भी मेंबर छूटता है तो उसका जो राशन है वो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जितने मेंबर हैं सभी को जाना है डिस्ट्रीब्यूटर पे और अपना बायोमेट्रिक लगाना है और वहाँ पे आपको KYC करा लेनी है, पूरा वेरिफिकेशन करा लेना है। चलिए ये हो चुकी है। अब बात करते हैं इसके लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट इसकी 15 तारीख होने वाली है। अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे बड़ा सवाल, 15 तारीख तो रहेगी, अब सभी को पता है 15 तारीख तक ये
बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सभी की केवाईसी हो जाए। कई लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर को ही नहीं पता तो कैसे केवाईसी कंप्लीट होगी। तो मैं बता देता हूँ, इसकी जो डेट है वो अभी 2 से 3 बार बढ़ेगी, वो सभी को पता है। जब तक केवाईसी नहीं होगी तब तक ये चीज़ चलती रहेगी, एक्सटेंड होगी। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, जो डेट दी हुई है उसके अंदर आप करा लीजिए, जितना हो सकता है उतना करा लीजिए। अगर नहीं होती है तो आप बाद में भी करवा सकते हो, बाद का इंतज़ार आपको नहीं करना है। वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं आप मेरे भरोसे में बाद में कराने के चक्कर में घर पे बैठे रहें और केवाईसी ना कराएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जाके अभी केवाईसी करा लेनी चाहिए। तो वो चीज़ आप अगर वीडियो आज देख रहे हो तो आज ही करा लीजिए, अगर कल देख रहे हो तो कल करा लीजिए। लेकिन आपको जब भी ये वीडियो देखने को मिल रहा है तो आप जब ही आपकी केवाईसी कराने डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाइए, ताकि आपका जो राशन कार्ड है वो चलता रहे और आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिले राशन से रिलेटेड। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पेमेंट की। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि पेमेंट कितना लगने वाला है। तो पेमेंट आपके कुछ भी नहीं लगने वाला। अगर वो पेमेंट ले रहा है तो उसकी गलती है, या फिर आप शिकायत भी उसकी कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर की। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा पेमेंट नहीं रखा गया है, जो केवाईसी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। आपको कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके सीधा वहाँ पे ये केवाईसी करवा सकते हो, कोई भी आपका पेमेंट नहीं कटेगा, निशुल्क ये सेवा रहेगी। और हाँ दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, जितने मेंबर है वो सभी को जाना है डिस्ट्रीब्यूटर पे और बायोमेट्रिक लगवाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, जो चीज़ मैंने समझाई, और आपके ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।